नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं एक नई माला, तुलसी की माला की, और किस तरीके से वो रेडी हो रही है और कैसे हम दाने उसमें यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में आपने तुलसी के दाने देखे होंगे तो वो आपको थोड़े कटे फटे और ऐसे छिले हुए नजर आएंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले तुलसी के दाने हैं और आप देख सकते हैं इनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। और तुलसी की माला आप जानते हैं मन की शांति, मन को स्थिर रखने के लिए धारण की जाती है। और अगर आपने इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों को देखा होगा जो हरे कृष्णा से जुड़े हुए हैं, कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो वो तुलसी की माला गले में धारण किए हुए होते हैं। तो तुलसी की माला आप सिंपल भी धारण कर सकते हैं और एक हम बना रहे हैं सिल्वर कैप के साथ में। तो किस तरह से ये माला बन रही है आप देख सकते हैं, ये कड़ी से कड़ी जुड़कर इस तरीके से ये माला तैयार हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ये सिल्वर कैप इस पे लगाई गई है और इस तरीके से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़कर ये माला रेडी हो रही है सिल्वर कैप के अंदर। और 54 दानों की ये माला है और ये देखिए, ये आपको इस तरह के निशान तुलसी की माला में जरूर नजर आएंगे। यही इसकी जो नेचुरल ओरिजिनलिटी है, उसकी पहचान यही है कि इस तरह के आपको निशान तुलसी की माला में जरूर नजर आएंगे। ये देखिए आप, तो कड़ी से कड़ी जोड़कर ये तुलसी की माला बनाई जा रही है और गले में पहनने पर बहुत ही अच्छा सोबर लुक इसका आने वाला है। और इस माला को धारण करने पर आप मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि तुलसी की माला का सीधा असर हमारे मन पर होता है। तो मन को स्थिर करने के लिए इसे धारण किया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है तुलसी की माला के लिए कि भाई इस ग्रह के अनुसार या फिर ये व्यक्ति से धारण करेगा, कोई भी व्यक्ति इस माला को धारण कर सकता है। और 54 दानों में ये माला बनाई जा रही है जो दिखने में भी बहुत ही सोबर है, बहुत ही अच्छा इसका लुक है। और देखिए ये जो तार हम लोग यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही मजबूत तार यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये चांदी का तार है, 925 सिल्वर है ये। और देखिए 925 सिल्वर इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो कड़ी है ये जो जोड़ी है हमने, वो उसमें बहुत अच्छी मजबूती होती है और जो माला बनेगी आपकी बहुत मजबूत बनेगी, अच्छे समय तक चलेगी आपके साथ में। और देखिए ये जो तुलसी की माला है, इसका रंग अभी तो आपको बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसे आप धारण करेंगे तो इसकी जो माला है इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस पर ऑयल, पसीना, ये सारी चीज़ें लगती है तो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, इस माला के रिजल्ट में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो दिखने में भी सुंदर है, रिजल्ट भी इस माला के बहुत ही अच्छे हैं और एक बहुत सोबर लुक इस माला का आपको पहनने पर दिखेगा। मतलब आप जब गले में इसे धारण करेंगे तो एक अलग ही फीलिंग होगी आपको कि भाई आपने कोई बहुत अच्छी आध्यात्मिक चीज़ धारण की है, जिसको आप जिसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही है माला, किस तरह की बनेगी, किस तरह की दिखेगी, वो सारी चीज़ें आपको दिख ही रही है। आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक यह माला पहुंचा दी जाएगी। और मान के चलिए कि जब ये माला रेडी होगी तो इसमें जो हम चांदी लगा रहे हैं, सिल्वर लगा रहे हैं, तो आज के अगर भाव की अगर हम बात करें तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको कि 1000 रुपये से ऊपर की तो चांदी ही इसमें लगने वाली है। तो जो कॉस्टिंग की बात करें तो आपको बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग के अंदर ये माला दी जा रही है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और तुलसी के दाने भी मान लीजिए आपके ही हों, तो जिस रेट में हम लोग ये माला आपको बनाकर दे रहे हैं और जो सोबर लुक और ब्यूटीफुल लुक और जो मजबूती आपको दे रहे हैं, वो आपको शायद मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जब आप एक माला इस तरह की बनवाने जाएंगे तो एक माला की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति लेगा। हम लोग जो मालाएं बनवाते हैं उसमें क्वांटिटी में काम होता है, एक एक व्यक्ति जिससे हम माला बनवाते हैं, जिनको हम काम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो एक एक व्यक्ति दिन भर में 2, 4, 5 मालाएं बनाता है और महीने भर उनका काम चलता रहता है। तो ऐसे बहुत से लोगों से हम मालाएं बनवाते हैं तो क्योंकि उनका कंटिन्यू उनको काम रहता है हमारे से और कंटिन्यू हम उन लोगों को काम देते हैं, तो वो हमसे बहुत ही कम लेबर कॉस्टिंग लेते हैं। इतनी लेबर कॉस्टिंग लेते हैं कि भाई उनका महीने भर का हिसाब किताब बैठ जाए। तो उस हिसाब से क्या होता है, हमें मान के चलिए मार्केट में अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे 1500 या 1000 रुपये लेबर कॉस्टिंग ले रहा है, तो वो काम हमारा 100-200 रुपये में ही हो जाएगा और भी शायद कम में हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है। तो जब हमारे पास कॉस्टिंग कम होती है तो हम लोग आपसे कम ही कॉस्टिंग लेते हैं। तो मजदूर को बनवाई के मान लीजिए एक उदाहरण के लिए 150-200 रुपये हम देते हैं,
उसके बाद ये जो माला है इसकी जो टोपियां कटिंग होती है उसकी मजदूरी हो जाती है, फिर ये जो तार खिंचाई होती है उसकी मजदूरी हो जाती है, फिर उसके बाद इस पे टैक्सेस लग जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अगर सिल्वर में इस तरह की माला बनेगी तो उसमें गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। फिर जो तुलसी के दाने हैं उसकी कॉस्टिंग ऐड हो जाती है, चांदी भी आपको इसमें मिल ही रही है 1000 रुपये से ऊपर की। तो सारी चीज़ों को अगर जोड़े हम और हमारा मार्जिन जोड़े जो बहुत ही नॉमिनल है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम कॉस्ट में हम लोग ये माला आपको दे रहे हैं। तो आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से, आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम रिजल्ट भी मिलेंगे, और दिखने में तो आपके सामने ये माला है ही। कोई भी व्यक्ति, भले बुजुर्ग हो, भले वो कम उम्र का हो, भले ज़्यादा उम्र का हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी इसे धारण कर सकता है, इसके सकारात्मक ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तुलसी माला पर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और 54 दानों की यह माला आपको मिलेगी, और 25 इंच के आसपास इसकी जो है लंबाई होगी, जो आसानी से गले में आप डायरेक्ट ही धारण कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।